साथी की पिटाई से नाराज डॉक्टरों ने हॉस्पिटल में किया हड़ताल, मचा हाहाकार। प्रयागराज के स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में अस्पताल में शुक्रवार सुबह प्रतापगढ़ में तैनात इंस्पेक्टर की मां की मौत के बाद बवाल हो गया। तीमारदारों ने एक डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह अधमरा हो गया। इससे नाराज अस्पताल कर्मचारियों ने इंस्पेक्टर समेत तीनों भाइयों को पीट दिया और इसके बाद हड़ताल कर दिया। अस्पताल में इलाज बंद होने से हाहाकार मच गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने इंस्पेक्टर को तत्काल सस्पेंड कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही करने की बात कही, लेकिन जूनियर डॉक्टर मानने को तैयार नहीं। सुबह से अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। प्रतापगढ़ में तैनात इंस्पेक्टर जुल्फिकार की मां 18 अप्रैल को स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती थी। गुरुवार देर रात उनकी हालत गंभीर हो गई। आरोप है कि वह नाम कोविड थी और उन्हें कोविड वार्ड में शिफ्ट दिया है। इसी बात को लेकर इंस्पेक्टर और डॉक्टर से कहा सुनी हो गई। इंस्पेक्टर समेत तीनों भाइयों ने डॉक्टर पर हमला कर दिया, उसका सर फट गया। इससे नाराज अस्पताल कर्मचारियों ने इंस्पेक्टर समेत तीनों भाइयों को जमकर पीटा। तीनों वहीं अधमरे होकर पड़ गए। इस घटना के बाद से जूनियर डॉक्टर हंगामा करने लगे। उन्होंने अस्पताल का काम छोड़ दिया और हड़ताल पर चले गए। सूचना मिलते ही आईजी केपी सिंह समेत पुलिस के आला अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए रोहित शर्मा की खास रिपोर्ट।